उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा उपचुनावों की तारीख की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा कर दी गई है। मिर्जापुर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पूरे जिले में आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू की गई है। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए टीम को नियुक्त किया गया है। आगामी 13 नवम्बर को विधानसभा उपचुनाव के लिए लगभग 4 लाख मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आप भलीभांति अवगत हैं, मिर्जापुर जनपद में 397 मजमा विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 की अधिसूचना चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दी गई है और हमारे 18 अक्टूबर से जो नाम निर्देशन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 25 अक्टूबर तक चलेगी। 28 अक्टूबर को इसकी स्क्रूटनी होगी और नाम वापसी का दिनांक 30 अक्टूबर है। 13 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया होगी और 23 नवंबर को मतगणना होगी। 25 नवंबर से पहले समस्त प्रक्रियाएं जो है वो प्रारंभ खत्म कर ली जाएंगी, समाप्त कर ली जाएंगी। और जो नाम निर्देशन की कार्रवाई है वो न्यायालय अपर जिलाधिकारी भू राजस्व के कार्यालय में की जाएगी और ये कलेक्ट्रेट परिसर में अवस्थित है। जो हमारी समस्त मतदान पार्टियां हैं वो राजकीय पॉलिटेक्निक बथुआ से रवाना होंगी और स्ट्रांग रूम एवं मतगणना की जो प्रक्रिया है वो भी राजकीय पॉलिटेक्निक बथुआ में की जाएगी। और 397 विधानसभा मजमा में कुल हमारे 3,99,259 मतदाता हैं, 442 हमारे मतदान स्थल हैं और 262 हमारे मतदान केंद्र हैं। इसके लिए जो सभी कार्मिकों की फीडिंग है वो कर ली गई है और प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर ली गई है, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स की भी नियुक्ति कर ली गई है। सभी जो निर्वाचन संबंधी प्रक्रियाएं हैं वो समय से और कुशलतापूर्वक संपन्न की जा रही हैं और निष्पक्ष पारदर्शी और निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जो सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ हैं FST टीम्स, हमारी SST टीम, वीडियो अवलोकन टीम या हमारी मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण समिति, कॉल सेंटर की स्थापना, ये सभी तैयारियां हमारी पूर्ण हो गई हैं। 1950 हमारा टोल फ्री नंबर है, इसके साथ जो निर्वाचन आयोग की वेबसाइट है विभिन्न शिकायतों को दर्ज कराने के लिए वो सभी भी आपकी चालू रहेंगी, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो भी सूचना है यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन से संबंधित देना चाहता है तो वहाँ पर दे सकता है और तत्काल कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही अधिसूचना लागू होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए जो 397 मजमा विधानसभा उपनिर्वाचन 2024 की प्रक्रिया है वो शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाए। कितने संवेदनशील बूथ हैं? 17 क्रिटिकल बूथ है और इसके अतिरिक्त सभी बूथ्स पर हमने EMF की सुविधा और अन्य सभी सुविधाओं का सुनिश्चित किया जा रहा है। वेबकास्टिंग भी सभी बूथों पर की जाएगी, जिसके लिए वैकल्पिक प्रकाश की व्यवस्था और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। पूरे जिले जो आदर्श आचार संहिता समस्त जनपद में प्रभावी रहेगी और मजमा विधानसभा में चुनाव के साथ मजमा विधानसभा के साथ साथ समस्त जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहेगी।